अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा प्याज और अंडे का सालन तैयार करूँगी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 अदद मीडियम प्याज लिए हैं, जिनको मैंने यूँ बारीक कटिंग में काट लिया है। 4 अदद अंडे लिए हैं मैंने। 2 रेड वाले टमाटर, उसको बारीक सा काट लिया है मैंने। 1/2 चम्मच मैंने रेड मिर्च यूज़ की है। 1 चम्मच नमक यूज़ करना है। 1/2 चम्मच ही मेरे पास हल्दी पाउडर है। 1/2 चम्मच ही ज़ीरा पाउडर है मेरे पास। और 1/2 चम्मच ही मेरे पास खुश्क धनिया पाउडर है। तो चलें जी, सबसे पहले फ्लेम ऑन करते हैं और प्याज को हम लाइट ब्राउन सा करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हमने अपनी प्यारी सी कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। इसके अंदर 5 से 6 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है और प्याज जो हमने बारीक कटिंग में काट लिया था उसको ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने इसको लाइट सा ब्राउन गोल्डन सा कलर देना है। यहाँ पे देखें जी, हमारा प्याज लाइट गोल्डन सा हो गया है। हमने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमने लाइट सा ही कलर इस्तेमाल करना है, गोल्डन सा। और वो आ चुका है। अब इसके अंदर टमाटर वो ऐड करेंगे और इनको मिक्स करूँगी। फ्लेम को हम स्लो कर देंगे ताकि हमारे टमाटरों की भी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। तो ये देखिए जी, टमाटर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक ये ऐड करूँगी। 1/2 चम्मच ही रेड मिर्च है मेरे पास, इसको ऐड कर दिया। 1/2 चम्मच ही हमारे पास हल्दी पाउडर है, इसको भी ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच ही ज़ीरा पाउडर जाएगा इसके अंदर। 1/2 चम्मच ही खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। तो अपने मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अपने मसालों को अच्छे तरीके से फ्राई करने के लिए हल्का सा खट्टानुमान पानी यूज़ करूँगी, ताकि हमारी नमक में जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो ये देखें जी, हमारे मसाले तैयार हो गए हैं। अब मैंने जो 4 अदद अंडे लिए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। और अपने चम्मच की मदद से यूँ मिक्स करेंगे इस तरह से। ये देखें जी, हमारे प्याज और अंडे का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने 3 सब्ज़ मिर्च जो ली थी उनको ऐड कर दूँगी और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा सब्ज़ धनिया। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और अपने प्यारे से सालन को, प्याज और अंडे को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही कम टाइम में तैयार होने वाला सालन है। तो चलो ये डिश आउट करते हैं। तो ये देखें जी, हमने अपने प्यारे से सालन को डिश आउट कर दिया है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।